जय जगन्नाथ आज मु बहुत धन्यवाद देवी उत्तराखंड र माननी मुख्यमन्त्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आज मु जो सल्द ग्राम उत्तर काशी उत्तराखंड जिल्ला से जिल्ला सात आठ किलोमिटर दूरले सल्द ग्राम स्थित जगन्नाथ मन्दिर जहाँ विषयमाड बहुत चर्चा है आमर महाप्रभु श्रीमन्दिरू पारजोशी आम बडपण्डा बाबु पूजा बाबु आसिले म धन्यवाद देबि ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଗୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିନେତା ସଭ୍ୟସଚୀ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ନିବେଦନ କରିଛି

বহুত ধন্যবাদ দেৱী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰা সবু বিষয় শুনিলাপৰা সিহঁতে আশ্বাসন দেকি কি যদি মা প্ৰজেক্ট চলিছে উত্তৰ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰৰ সেই প্ৰজেক্টৰে মাছে মন্দিৰক সামিল কৰিব জগন্নাথৰ কীৰ্তি কেতিয়া এতিয়া দেৱভূমিৰে বঢ়িব তাহে সম্পূৰ্ণ পৰিশ্ৰম কৰোঁ আমাৰ পুৰাত্ব বিভাগ এ এছ আই এই মন্দিৰৰ দেখৰেখণ কেতি এছ কু যা উদ্যম ৰাজ্য চৰকাৰ কৰিব बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय को उत्तराखंड सरकार को जय जगन्नाथ आज डॉक्टर संबित पात्रा जी जगन्नाथ मंदिर जो हमारे उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय से साल्ट ग्राम में लगभग सात आठ किलोमीटर की दूरी पर लगातार वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है लोगों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा और बीच में वहाँ से महापात्रा जी आए थे और उन्होंने डॉक्टर संबित जी को इसकी जानकारी दी और आज संबित जी उसको लेकर आज उन्होंने विस्तृत रूप से उसके जीर्णोद्वार को लेकर वहाँ पर पूजा पद्धति हो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के भक्तगण पूरी से जगन्नाथपुरी से उड़ीसा से और संपूर्ण भारत से आने वाले समय में वहाँ पर आए उसको लेकर उन्होंने विस्तृत रूप से मुझे एक पत्र भी दिया है और जिसमें विस्तृत रूप से उन्होंने उसका उल्लेख किया है बारहवीं शताब्दी का बना हुआ वो मंदिर है और पुरातत्व विभाग के द्वारा भी उसका भविष्य में संरक्षण हो उसके लिए हम लोग देखेंगे और एक मंदिर माला मिशन के तहत जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर सभी मंदिरों को हमने नया स्वरूप देने का उनके नवनिर्माण का और विस्तारीकरण का जो संकल्प लिया है आने वाले समय में हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे सारे धार्मिक स्थान हमारे अच्छे हों उस कड़ी में एक बहुत ही भव्य और दिव्य स्थान जिसके बारे में आज संपूर्ण जगह पर अब धीरे धीरे चर्चा हो रही है जो अभी डॉक्टर संबित पात्रा जी ने जिसकी चर्चा की है और हमारा भी ये प्रयास होगा कि वहाँ पर संपूर्ण जो सुविधाएं हैं वहाँ पर पूजा पद्धति है आने वाले समय में देश भर के भक्तगण वहाँ आएँ उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर उसको काम करेगी और एक नया स्थान नया धार्मिक स्थान और ये दिव्य स्थान जिसकी खोज हुई है मैं समझता हूँ कि बाबा जगन्नाथ ही ऐसा चाहते होंगे इसीलिए ऐसा संयोग बना है